last lecture में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, और उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी दी था। आज हम जो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी एक फाइंड द रेलेवेंट एक्सट्रीम R equal to 1 minus sin theta। R की वैल्यू क्या मैंने कि R क्या हमारे पास 1 minus sin theta, तो Y को आपने बताना है किस तरह से X में किस पॉइंट पर उतना रहते वैल्यू बनता है। तो ये सब कि हमें पता है कि X equal to क्या होता है R cos theta and Y equal to R sin theta। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर लेते हैं x इक्वल टू r, r की वैल्यू क्या है 1 माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल r की वैल्यू 1 माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई, तो अब x और y को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट इन रिस्पेक्ट टू थीटा। ये प्रोडक्ट हमारे पास दो चीज़ों का है, तो प्रोडक्ट टू कर लेगा डी एक्स बाई डी थीटा बन जाएगा। अगर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं तो सेकंड का डेरिवेटिव कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट के डेरिवेटिव है तो 1 का 0 और माइनस कॉस, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये माइनस साइन का साइन थीटा माइनस पास पास करते हैं पास कहते हैं, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा। अब यहाँ से इसको भी डिफरेंशिएट में रिस्पेक्ट टू थीटा करें, डी वाई बाय डी थीटा प्रोडक्ट टू लगेगा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पर हमारे पास माइनस, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लें तो 1 माइनस टू साइन थीटा एंड इट इज डी ओवर। और यहां पे चेन रूल अप्लाई करके हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालें तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए भी हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलेगा कि हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रखें तो फिर हमें इक्वेशन जो मिल रही है वो मिल रही है कॉस थीटा इनटू 1 माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 0 आर 1 माइनस टू साइन थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 हमें दो वैल्यूज देता है, एक थीटा इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगी और दूसरी तरह हो जाएगी 3π। और सिमिलरली यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू 1 बाई टू और ये साइन प्लस, अब इसकी भी दो वैल्यू मिलेंगे, एक और मिल जाएगी पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स और दूसरी मिल जाएगी पाई पाई बाई सिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये थीटा की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोलर फॉर्म में है तो हमारे पास पॉइंट बनाने के लिए आर और थीटा दोनों चाहिए, तो एस आर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे अगर हम थीटा इक्वल टू पाई बाई टू करते हैं तो ये क्या अपने थीटा आर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, तो जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा 1 और
इसी तरह थीटा की दूसरी वैल्यू को करें, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो इस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट मिल गया 2 एंड 3 पाई बाय 2। इसी तरह आप थीटा की थर्ड वैल्यू जब पुट करेंगे पाई बाय 6, विच इंप्लाइज दैट r की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 1 बाय 2, और इसी तरह थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 जब पुट करेंगे तो वहाँ से भी r की वैल्यू जब देगी 1 बाय 2, तो पॉइंट क्या मिल गए, 1 बाय 2 पाई बाय 6, 1 बाय 2 5 पाई बाय 6। तो अब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या बने, बन गया 1 से पाई, 1 पाई बाय 3, 2 3 पाई बाय 2 एंड 1 बाय 2 पाई बाय 6 एंड 1 बाय 2 पाई बाय 6। अब हमें चार के पॉइंट्स क्रिटिकल, अब इन पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम इनके एक्सट्रीम वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं जो एक आप टेस्ट कर लेते हैं, तो कोई सा एक जो मैं वो टेस्ट करके दे देता हूँ, बाकी आप इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको टेस्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 70। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास ये कि थीटा 70 डिग्री है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि हम उस पॉइंट से पहले कुछ वैल्यू ले लेते हैं, उस पॉइंट के बाद जो है थीटा की वैल्यू पुट करके फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले अगर लें तो उससे थीटा इक्वल टू 269 डिग्री यानी कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 269 डिग्री यानी कर सकते हैं 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये अगर थीटा की वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर को यूज करें तो हमारे पास इस पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन यानी कि नेगेटिव आएगा। और फिर उसके बाद अगर हम क्या पुट करें के बाद 271 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसका बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि सो वाई एस रिलेटिव मिनिमम तो ये एक पॉइंट है, मैंने चेक किया हमारे पास टोटल चार पॉइंट हैं, तो कैलकुलेटर पे यूज़ करना है तो बाकी पॉइंट भी आप इस तरह चेक करके इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।